आज 5 सितंबर 2024 को शिक्षक दिवस के अवसर पर अत्यधिक हमें प्रसन्नता है कि जो कामत शिक्षण संस्थान सन 1987 में प्रारंभ हुआ था, आज हमारे कामत ग्रुप के पूर्व और वर्तमान के शिक्षकों ने इसे ये स्वरूप प्रदान किया कि आज उसे कामत ग्रुप ऑफ स्कूल हम लिखते हैं। और आज लगभग हमारे 150 से ज़्यादा शिक्षक शिक्षिका हमारे कामत ग्रुप में कार्यरत हैं, सेवारत हैं और अपने त्याग और तपस्या के बल पर इस संस्थान की सभी शाखाओं को निरंतर उत्कर्ष की ओर ले जा रहे हैं। ऐसे कर्मठ, सुयोग्य, समर्पित शिक्षकों को, शिक्षिका बहनों को हम पुनः पुनः हार्दिक नमन करते हैं, वंदन करते हैं। वास्तव में हमारे जीवन के लिए उनका एक अतुलनीय योगदान है। हमारा तो एक सपना था, लेकिन उस सपने को साकार करने वाले आप सभी शिक्षक बंधु हैं, शिक्षिका बहने हैं, जिनके गरिमा और महिमा पर हमारे पास उनकी कृतज्ञता के लिए शब्द नहीं है। ये व्यक्तिगत हमारे हार्दिक उद्गार हैं, इसके लिए हमारा ईश्वर साक्षी है। बंधुओं, सबसे पहले तो हम अपने जन्मदिवस को शिक्षक समूह के लिए समर्पित करने वाले भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को हम स्मरण करते हुए उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि उन्होंने शिक्षक की गरिमा और महिमा को इतना बड़े पैमाने पर और अपने जीवन में सबसे अधिक महत्व देकर अपने जन्मदिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने के लिए आग्रह किया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन वृत्त एक बड़ा विशाल ग्रंथ हो जाएगा उनके बारे में कहना। बहुत बड़ा, बहुत महान लेखक थे, बहुत महान वक्ता थे, सबसे पहले वो एक महान शिक्षक थे और इसी शिक्षक यात्रा को आगे बढ़ाते हुए वो एक महत्वपूर्ण दार्शनिक, महत्वपूर्ण व्याख्याता, अपने संस्कृति और साहित्य के, अंग्रेजी साहित्य के महत्वपूर्ण ज्ञाता विद्वान, और जीवन के अंतिम अवसर पर वो डॉक्टर राधाकृष्णन द्वितीय राष्ट्रपति बनकर हमारे भारत को उन्होंने सुशोभित किया। उन्होंने शिक्षकों के दायित्व पर और शिक्षा पर, साहित्य पर बहुत सारा लिखा है। हम उसको कोट नहीं कर सकते, केवल एक कोटेशन उनका कहेंगे कि उन्होंने कहा, शिक्षक वो नहीं है जो बहुत सारी सूचनाओं को, ज्ञान को अपने छात्रों में ठूंसे, बल्कि शिक्षक वो है जो उस ज्ञान को अपने बच्चों को बहुत सहज भाव से उनके मन मस्तिष्क में विचारपूर्ण, भावपूर्ण ढंग से प्रयोदे और भविष्य की चुनौतियों के लिए अपने छात्रों और शिष्यों को तैयार करे, ताकि उसका शिष्य और छात्र उनसे ज्ञान प्राप्त करने के बाद के बावजूद जीवन की किसी भी मोड़ पर, किसी भी मोर्चे पर असफल न हो सके। स्वामी विवेकानंद ने भी ऐसे ही लिखा है कि लाइब्रेरी और शिक्षक की जब तुलना करें तो लाइब्रेरी में ज्ञान ज्यादा है, बहुत सारी पुस्तकें हैं जो बहुत सारा ज्ञान समेटे हुए हैं, सूचनाएं हैं, लेकिन वो कभी शिक्षक की तरह सम्मानित नहीं की जा सकती, क्योंकि शिक्षक उस ज्ञान को बच्चों के मन मस्तिष्क में बड़े सहज भाव से एक कला कौशल के साथ प्रेषित कर देता है, इसलिए शिक्षक सम्मानित है। बंधुओं, हमारे सारे शास्त्रों में गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु कह करके शिक्षक को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया गया। यही नहीं, हम इतिहास के पन्नों को अगर देखें तो एक बार सन 1945 के दौर की बात है, जर्मनी और इंग्लैंड में युद्ध चल रहा था। जर्मनी का शासक हिटलर था
जो बहुत तानाशाह था, और इंग्लैंड का शासक थे विंस्टन चर्चिल, जो नेहरू जी के समकालीन थे और बहुत अच्छे दूरदर्शी इतिहासकार थे, राजनीतिज्ञ थे। तो युद्ध के दौर में बहुत सारे ऐसे बनाए जाते हैं बंकर्स, यहाँ पर कुछ लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। तो चर्चिल ने एक मीटिंग बुलाई अपने इंग्लैंड में कि भाई महत्वपूर्ण इकाई सबसे ज़्यादा कौन है राष्ट्र में, क्योंकि बहुत सारी ज़्यादा संख्या में तो बंकर में नहीं लोग बचाए जा सकते, एक सीमित संख्या में बंकरों में लोग भेजे जा सकते हैं जो बम्बार्डिंग से बच सकेगा उनका जीवन। तो किसी ने कहा कि हमारे इस समाज में बच्चे बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको बचाया जाए। किसी ने प्रस्ताव रखा महिलाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको बचाया जाए। किसी ने कहा साधु संतों को बचाया जाए, किसी ने कहा राजनीतिक को बचाया जाए। लेकिन बाद में निष्कर्ष ये निकला सभी के द्वारा और चर्चिल के माध्यम से कि शिक्षकों को बचाया जाए। शिक्षक अगर बचा रहेगा, सुरक्षित रहेगा, तो हमारा राष्ट्र पुनः खड़ा हो जाएगा, और राष्ट्र के जितने भी लोग हैं सब शिक्षक के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। तो शिक्षक को हम राष्ट्र निर्माता कहते हैं। वो न्यायाधीश बनते हैं लोग, या डॉक्टर बनते हैं, या कुछ भी बनते हैं, एक शिक्षक के द्वारा बनते हैं। कबीर दास ने तो बहुत सारे दोहे लिखे हैं, कबीरा हरि के रूठते गुरु के सरने जाए, कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। भगवान और गुरु की तुलना कबीरदास कई दोहों में करते हैं, और उन्होंने भगवान की तुलना में गुरु को श्रेष्ठ माना। गुरु गोविंद का दोहू खड़े काके लागो पाए, आप सब जानते हैं। इसी तरह शिक्षक को और शिक्षक के योगदान को पूरा राष्ट्र शिक्षक दिवस पर नमन करता है, क्योंकि शिक्षक का योगदान अतुलनीय है। शिक्षक की महिमा और गरिमा पर कितना भी किताबें लिखी जाएं, ग्रंथ लिखे जाएं, उनका महिमा मंडन किया जाए वो कम ही रहेगा। हमारे आचार्य श्री राम शर्मा तो बहुत सरल शब्दों में शिक्षक है राष्ट्र निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। अधिक न कहकर शिक्षकों के सम्मान में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि इन शिक्षकों ने ही कामत को, कामत शिक्षण संस्थान को ये स्वरूप प्रदान किया है, जिसके लिए हम आजीवन ऋणी रहेंगे, और निश्चित रूप से ये समाज भी उनका ऋणी रहेगा। ये निश्चित है कि पहले के शिक्षक में और आज के शिक्षक में काफ़ी अंतर आ चुका है। शिक्षक को हम, शिक्षक के पैसे को हम नौकरी से नहीं आंक सकते, उसका मूल्यांकन एक सेवा कार्य से होता है। कुछ ऐसे पैसे होते हैं जैसे डॉक्टर, चिकित्सक और न्याय दिलाने वाला वकील और शिक्षा प्रदान करने वाला शिक्षक, ये पैसे नहीं हो सकते, ये सेवा के क्षेत्र है। अगर हम इसको पैसा बनाते हैं तो निश्चित रूप से हम उस गौरवपूर्ण कर्तव्य को निभाने में कई बार असफल होते हैं, और जो शिक्षक की चेतना का विस्तार किया गया है वो शिक्षक की चेतना फिर हमसे दूर हो जाती है। हम मात्र एक नौकर की तरह हैं। मैकाले ने इस देश में शिक्षकों की गरिमा को घटाने में काफ़ी कुछ कोशिश की है, और हम लोगों ने उस मैकाले पद्धति पर जो शिक्षक निर्माण करते हैं वो गलत दिशा में समाज को ले गए हैं। इसलिए हमारा प्राचीन शिक्षक चाणक्य, संदीपनी और अरस्तु जैसे रहे। एक इतिहास का एक मिनट में अरस्तु का उपाख्यान सुनाते हैं। सिकंदर का घोड़ा आगे आगे चलता था, विश्व विजेता था, और सिकंदर का गुरु था अरस्तु, जो बहुत राजनीतिज्ञ और महान इतिहासकार में उनका नाम है अरस्तु का। तो कोई नदी आई, कोई एक दुर्गम रास्ता आया, तो अरस्तु ने कहा कि आप आगे चलिए, अभी तक हम आगे चल रहे थे सम्मान में, अब सिकंदर तू आगे चलो। तो सिकंदर ने कहा ऐसा क्यों गुरुजी, आप आगे रहे हैं, आप आगे आगे चलिए, हम पीछे चलते हैं। तो सिकंदर से अरस्तु ने कहा कि आप अगर किसी खतरे में फंसते हैं तो
तो हम एक दूसरा सिकंदर फिर तैयार कर लेंगे, लेकिन हम तुम्हारे गुरु अरस्तु ही अगर खतरे में फंस जाएंगे तो दूसरा सिकंदर कैसे तैयार होगा। वीर शिवाजी के गुरु हमें याद आते हैं समर्थ रामदास, ये कोई इतिहास के सब हमारे गुरु हैं, ये पौराणिक नहीं है। वशिष्ठ और विश्वामित्र की बात करें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन चाणक्य हों चाहे चंद्रगुप्त के गुरु चाहे वीर शिवाजी के गुरु स्वामी समर्थ गुरु रामदास हों चाहे सिकंदर के गुरु अरस्तु हों, ऐसे बहुत सारे स्वामी विवेकानंद के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे, ऐसे गुरुओं के व्यक्तित्व और कृतित्व वर्तमान में भी हम APJ अब्दुल कलाम तो एक महान वैज्ञानिक और गुरु के प्रति विक्रम साराभाई उनके गुरु थे, उन्होंने अपनी उड़ान में बहुत सारे अपने गुरुओं की चर्चा की है कि वो एक महानता के इस स्थिति में कैसे पहुँचे, ऐसा अब्दुल कलाम ने अपने किताबों में वर्णन किया है और उसमें अपने तमाम विक्रम साराभाई जैसे वैज्ञानिकों को श्रेय और गौरव प्रदान किया है। अधिक से कहकर ये सारा राष्ट्र अगर विकसित हो सकता है, स्वस्थ हो सकता है, समर्थ हो सकता है, नई पीढ़ी का निर्माण हो सकता है तो किसी महान शिक्षक के द्वारा। इसलिए आज के अवसर पर हम शिक्षकों को पुनः पुनः सम्मान करते हुए और उनसे ये निवेदन करेंगे कि हमारी नई पीढ़ी हमारे वर्तमान के छात्र और बहुत सारी संख्या में शिष्य इस शिक्षक से ही आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं शिक्षक की ओर और ये अपेक्षा कर रहे हैं कि वो एक नए भारत का, विकसित भारत का, समर्थ भारत का, स्वाभिमानी भारत का निर्माण करने में सक्षम होंगे। शिक्षक की भूमिका बड़ी अग्रणी भूमिका है, इसलिए न्यायालय में भी उसको कुर्सी डालकर सम्मानित किया जाता है और सारा राष्ट्र कोई भी हो किसी भी स्थिति में महानता को प्राप्त किया हो उसका सिखाने वाला कोई, उसको शिक्षा देने वाला कोई शिक्षक ही होता है। इसलिए ऐसे गरिमामय महान शिक्षक को हम नमन करते हैं और प्रणाम करते हैं। धन्यवाद।